तो आज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है इंसीडियस द रेड डोर। इस मूवी के बारे में मैं आपको पूरी डीपली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इस मूवी का जो अभी रिसेंटली ट्रेलर निकला है उसे देखने के बाद मैं मूवी रिव्यू भी करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप ऐसी कॉन्टेंट रोज चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंसीडियस ये एक हॉरर मूवी है, इसके 4 पार्ट पहले से निकल चुके हैं, ये इसका 5वां पार्ट निकल रहा है और इसका 5वां पार्ट भी उसी फैमिली पर बेस्ड है जिसे हम लोग लैम्बर्ट फैमिली के नाम से जानते हैं। और अगर हम रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 7 जुलाई 2023 यानी इसी साल को रिलीज होगी और ये 4 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु। और अगर मैं इसके ट्रेलर देखने के बाद मूवी का रिव्यू करूं तो भाई देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है हम ट्रेलर को अगर थोड़े ध्यान से देखें तो। जैसे ही मूवी का ट्रेलर चालू होता है तो हमें स्टार्टिंग में एक टाइमर लगा हुआ दिखता है, उसके बाद एक फैमिली बैठी होती है जिसमें वो डिस्कशन करते रहते हैं कि हम लोग रेडी हैं अपने पास्ट को भुलाने के लिए। शायद उनके पास्ट बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ हो और वो शैतान से रिलेटेड भी कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद मूवी की स्टोरी 10 साल आगे बढ़ जाती है और हमें 10 साल बाद का सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि भैया डॉल्टन जो लैम्बर्ट फैमिली का एक मेंबर है वो जाता है स्टडी के लिए एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे उसको एक फ्रेंड मिलता है और फिर वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसके बाद एक ड्रॉइंग क्लासेस में उसकी टीचर बोलती है कि आप ड्रॉइंग ड्रॉ करो बिल्कुल अपने अतीत पे जाके ताकि वो आपको क्लियरली इमेज समझ में आए, और फिर हमारा डॉल्टन एक रेड डोर को ड्रॉ कर देता है और फिर मूवी में वहां से बहुत ही ज्यादा भयानक इंसिडेंट्स चालू हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके फादर भी वो पुरानी चीजों को भुला नहीं पाए थे, उनको बहुत ही ज्यादा सपने आते थे हॉरिबल। और फिर फाइनली कुछ टाइम बाद हमारे लैम्बर्ट फैमिली ये डिसीजन लेती है कि हमें अपने अतीत को फिर से खरीदना पड़ेगा, यानी कि वो रेड डोर के अंदर फिर जाते हैं और फिर भैया आपको सभी पता है कि हॉरर सीन्स काफी ज्यादा मैक्स लेवल हो जाता है और फिर भैया मूवी की रियल स्टोरी चालू होती है। इस मूवी के चारों पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है लेकिन मुझे ज्यादा हॉरेबल नहीं लगे, हो सकता है 5वां पार्ट बहुत ज्यादा हॉरेबल हो। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में भेज के जरूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।